Hello and assalamu alaikum. My name is IAmFawad. First of all, I would like to thank you guys for watching this video. Ali Sethi, Pakistani music industry ka bada naam. Kaafi kamyab singer hain. Coke studio mein bahut kamyab gaane gaaye unhone. Mera personal favorite jo Coke studio ka hai, Ranjish Sahi aur Ritik Dana. Bahut zabardast unka ek style hai apna gaane ka. Pop singing aur classical singing dono ga sakte hain. Unka gala bahut khoobsurat hai jab bhi wo gaate hain. Ali Sethi ne apna ek solo release kiya hai Chandni Raat aur ye kaha ja raha hai ki this is his best work till date. So bina koi time zaya kiye aaiye song sunte hain, video dekhte hain, fir uske baad main apna reaction bhi dunga, review bhi karenge. If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos. चाय पी रहा हूँ मैं. क्या शोइंग द हिस्ट्री ऑफ गजल, द डेफिनेशन ऑफ गजल इज वेल. ओके. अगर साथ में ये उर्दू में भी लिख जाते ना तो बेहतर होता, जो इंग्लिश नहीं समझ पाते. Ali Sethi is American based, Pakistani, so I can imagine. Chandni Raat, badi der ke baad aaye. It's actually a ghazal, not a song. Chandni, sorry about that, do an intro. Badi der ke baad aaye. I'm not gonna talk a single word. I'm not gonna say a single word. Sorry, I'm not talking. Badi der ke baad aaye. Okay.
आपको सोचने पे मजबूर कर देगा ये सॉन्ग, सॉरी गज़ल, अली सेठी ने बहुत प्यारे अंदाज से गाई है, बहुत प्यारे अंदाज से गाई है। सैफुद्दीन सैफ की पोइट्री है ये। अगर आप सैफुद्दीन सैफ को जानते हो और या उनको पढ़ा है तो उसके नाम से ही आप समझ गए होंगे मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के बहुत लेजेंडरी फिल्म मेकर हैं। पहले इंडिया अमृतसर में काम करते थे, लेकिन पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान मूव हुए। फिर उसके बाद उन्होंने मूवीज़ बनाना शुरू की। 1959 में आई थिंक उन्होंने करतार सिंह लिखी थी, वन ऑफ द आइकॉनिक मूवी है पाकिस्तान की बिकॉज ऑफ द डायलॉग्स और डायरेक्शन की वजह से। तो सैफुद्दीन सैफ ने फिर उसके बाद लिखना शुरू किया, स्टोरीज लिखते थे, अफसाने लिखते थे, गज़ल लिखते थे। तो ये अली सेठी ने सैफुद्दीन सैफ की ये गज़ल ली है। मैं गुनगुना इसलिए रहा था कि ये पोइट्री मैं जानता हूँ, मैं उनको पढ़ा हुआ है, मेरे पर्सनल फेवरेट शायर और राइटर्स में से हैं सैफुद्दीन सैफ। बहरहाल अली सेठी मेरा दिल जीत लिया और मुझे उम्मीद है कि ये सॉन्ग सुनने के बाद उसने आपका भी दिल जीत लिया होगा। मैं उनको पर्सनली पसंद तो करता ही था जब से मैंने कोक स्टूडियो में उनको देखा है, मगर इस सॉन्ग के बाद जो उन्होंने एक मैसेज दिया है, लव पीस एंड हार्मनी, जो मैं समझ सका हूँ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो और लिसनिंग द सॉन्ग, वो इसलिए कि हमें इस चीज़ की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। राइट टाइम पर ये सॉन्ग रिलीज़ किया है। पाकिस्तान और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आई थिंक उसके लिए एक सूदिंग लिक्विड का काम करेगा ये। आप सॉन्ग को सुनो और फिर मोहब्बत में मुबतला हो जाओ। अगर अभी सॉन्ग का वीडियो देखो ना, इसमें महल में 20-21 बंदे हैं टोटल, मैं काउंट कर रहा था एक्चुअली, तो वो सब एक दूसरे से नाराज़ बैठे हैं। किसी ने अपना मुँह यूँ किया है, किसी ने यूँ किया है, एक दूसरे से मोहब्बत करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन जो डिफरेंसेस हैं उनकी वजह से एक अना की दीवार रखी हुई है, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैं कह सकता हूँ, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन एंड में सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो उसका मकसद यही कि लव पीस एंड हार्मनी, जब तक हम लोग एक साथ खड़े होके मिल के किसी चीज़ के लिए ना लड़ेंगे और ना बात करेंगे तो हम कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो एक साथ मिलजुल के रहने में, मोहब्बत में ही अमन और शांति है। इस वीडियो के बारे में मैं एक और लॉजिक दे सकता हूँ जो मैं समझ रहा हूँ कि ये कि वीडियो एक ओपन है, आप उसको अपने अंदाज में इंटरप्रेट कर सकते हो, अपने अंदाज में समझ सकते हो, अपने अंदाज में बयान कर सकते हो। मैंने जो समझा और जो मुझे दिखा मैंने अपने अंदाज में बयान कर दिया। आप क्या समझते हो आप मुझे बताइए आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे ख्याल से सहमत हैं या आप कुछ और समझे हैं ये वीडियो देखने के बाद। बहरहाल सॉन्ग वॉज ब्रिलियंट, बहुत प्यारी और स्वीट गज़ल है, बहुत मज़ा आया सुनने के बाद। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सॉन्ग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, प्लस माय वीडियो। जी हाँ, क्योंकि अगर आपने ये पहले सॉन्ग नहीं सुना है, अगर मेरी वजह से सुना है, क्रेडिट तो देना पड़ेगा, है ना। हम जस्ट जोकिंग, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मुझे रेकमेंड करते रहें। ज़्यादातर पाकिस्तानी कंटेंट्स, बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, बहुत टैलेंट है, इतने सारे हिडन जेम्स हैं कि उनको एक्सप्लोर करना है हमने।
और हम आप मिलकर ही कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कोई हिडन जैम है जिसके बारे में ना बात की गई हो ना कहा गया हो, आप मुझे बताइए। आई ट्राई माई बेस्ट कि उनको दुनिया के सामने लेकर आएँ, उनके कंटेंट्स पे रिएक्शन दें या रिव्यू करें या लोगों को बताएं कि हाँ भाई ये जाके देखो, बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स बहुत हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, एनी सोशल मीडिया। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड बाय।